अस्सलाम वालेकुम। तो क्या सीन है भाई लोग, मैं हूँ आपका अपना भाई शराज अहमद फ्राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शाहदरा लाहौर। तो जो आज की ये वीडियो, ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिनके एफएससी में नंबर कम है, तो मैं उनके लिए कोई ऐसा कॉलेज, उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि यार हमें ऐसा कोई कॉलेज बता दें जिसका मेरिट भी कम हो और जो एक अच्छा भी हो और हर लिहाज से बेहतरीन हो, ऐसे कॉलेज हमें रिकमेंड करें। तो मैं उनके लिए खास स्पेशली वीडियो, और जिनके नंबर ज़्यादा भी हैं उनके लिए एक पढ़ाई के लिहाज से और प्रैक्टिस के लिहाज से एक बेहतरीन कॉलेज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा उस कॉलेज के बारे में, उसकी हर हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूं, और इस तरह की वीडियो पहले कभी भी नहीं बनी होगी उसके ऊपर। तो तुम्हारा भाई वीडियो बनाएगा ना, तो वैसी वीडियो कोई नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें उस नर्सिंग कॉलेज की, तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन प्राइवेट हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर स्कूल है, लाहौर स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो उसमें BSN करवाया जाता है और काफ़ी अर्से पहले से ही करवाया जा रहा है, और वो पढ़ाई के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से और प्रैक्टिस के लिहाज से एक बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन कॉलेज है, या आप कह सकते हो कि स्कूल है नर्सिंग का। सबसे पहले अगर हम बात कर लें सीट्स की, तो उसमें 100 सीट्स हैं और 50% सीट्स मेल के लिए हैं, 50% सीट्स फीमेल के लिए हैं। और सबसे, इस कॉलेज की जो सबसे बेहतरीन बात है ना, वो मैं अभी आपको थोड़ी सी उसके बारे में बता रहा हूँ, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में बताऊँगा। तो आप क्या करते हो, बस काट काट के देख लेते हो ना, तो मैं कहीं भी आपको बता दूंगा कि उसका जो है मेन चीज़। अगर हम बात करें ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो जो मेल हमारे पास हैं उनको पूरी फ़ीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन जबकि जो फीमेल हैं उनको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी पड़ती। तो आपको ये फीस स्ट्रक्चर में सारा इसके बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, तो क्राइटेरिया इधर 50% अगर आपके FSC में नंबर हैं, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो उसका स्कूल ऑफ नर्सिंग है उसमें अप्लाई करने के लिए आप अहल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अगर 50% है तो आपका मेरिट बन जाएगा। मेरिट 50% के ऊपर नहीं बनता, वो ज़्यादा नंबरों के ऊपर ही बनता है। अगर हम अप्लाई की बात करें, तो जो इसका अप्लाई का मेथड है वो ऑनलाइन अप्लाई है। आप कहीं भी किसी भी जगह से बैठ के उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपके पास पंजाब को डोमिसाइल होना लाजमी है, मतलब पंजाब वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें, तो जिसको अप्लाई की जो डेट है वो अभी इस टाइम एडमिशन इसके नहीं है, लेकिन मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको तकरीबन सारों मेरे व्यूअर्स को है ना, तो पता चल जाए टाइम पे कि वो अप्लाई करने के लिए अपनी एक सोच बना लें, फ़ीस अगर उनके वो पे कर सकते हैं तो उसके मुताबिक अपना एक थॉट्स बना लें कि हमने इस इधर अप्लाई करना है या नहीं करना। तो हमारे पास अगर इसके अप्लाई की डेट की बात करें तो हमारे पास इसके जो अप्लाई का डेट है वो 15 दिसंबर से यहाँ अप्लाई शुरू हो जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन होती है, मैंने आपको बता दिया, और 15 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक इसकी अप्लाई का आपके पास टाइम है, आप उस दौरान अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपको 20 जनवरी को आप इनकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और 25 जनवरी तक आपको फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप फीस पे कर देते हैं तो आपकी फीस सीट सिक्योर हो जाएगी, अगर आप नहीं करते तो वो सीट नेक्स्ट जो कैंडिडेट होता है या जिसने अप्लाई किया होता है, जिसका मेरिट बन रहा होता है, उसको दे दी जाती है। और साथ ही इनका 2 फरवरी को इनकी ओरिएंटेशन सेरेमनी होती है, और उसके बाद आपको 8 फरवरी से आपकी बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो जाता है। तो आपको मैंने सारी डिटेल बता दी है डेट के हवाले से कि इसके एडमिशन्स कब आएंगे, इसके डेट ऑफ एडमिशन क्लोज कब होगी, मेरिट लिस्ट कब लगेगी, और साथ ही इनकी क्लासेस का आगाज़, बाकायदा आगाज़ कब होगा। तो आपने ये सारी बातें सुनी हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यार ये एक, आप अगर देखें ना प्राइवेट में, तो प्राइवेट में इसका यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जो नर्सिंग है उसका नाम है काफ़ी जो लोग होते हैं उन्होंने, जो MSN अक्सर करते हैं या BSN भी करते हैं, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से की होती है। आप ये देख लें कि इनका PNC के साथ ही एफिलेटेड है, वहाँ से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और इसका जो इतना ज़्यादा इनका ताल्लुक है कि वो PNC का जो स्पेशल टीम है वो हर एक सेमेस्टर के बाद इनको विज़िट करती हैं, और इनकी स्टडीज़ का और डिफरेंट चीज़ों का जायज़ा लेते हैं कि ये प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये इस लिहाज से भी एक अच्छा स्कूल ऑफ नर्सिंग है। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें, तो इसकी फ़ीस जो है वो है 86,000 विद आपकी ट्यूशन फ़ीस और साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी फ़ीस के लिहाज से एक अच्छी खबर है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो फीमेल है ना उनके लिए फ़ीस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि उनकी जो ट्यूशन फ़ी होती है वो बहुत ही, मतलब फ़ीमेल के लिए कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ती है उनको, और साथ ही उनको नेक्स्ट तकरीबन 15,000 या 20,000 बनती है उनकी फ़ीस। तो आप ये देख लें कि इस लिहाज से फ़ीमेल के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। कोशिश करूँगा साथ फ़ीस स्ट्रक्चर का एक तस्वीर लगा दूँगा, आप वो देख लेना, वीडियो को पास करके देख लेना कि उस पर क्या डिटेल लिखी हुई है। अगर हम मेरिट की बात करें, तो ये जो है ना, एक तो ये FSC बेस के ऊपर भी मेरिट अपना मेरिट बनाते हैं, और साथ ही ये इनका टेस्ट भी लिया जाता है। तो अगर हम मेरिट की बात करें, जिनके नंबर होते हैं ना 950, 900 या 980,
तो उनका तो बगैर टेस्ट के भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा एक ऑप्शन रखा हुआ कि आप टेस्ट भी दे सकते हो। टेस्ट का ये सीन होता है कि आप उसके अंदर हमारे पास 50 MCQs होते हैं, जिसमें से 25 MCQs इंग्लिश के होते हैं और 25 MCQs मैथ के होते हैं। जो 25 MCQs इंग्लिश के हैं वो कोई सिंपल MCQs नहीं होते, काफ़ी अच्छे MCQs होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं और ग्रामर के रूल्स वगैरह उसमें यूज़ होते हैं। जो मैथ होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, मतलब बंदा कर लेता आराम से। अगर आपके टेस्ट में आ जाते हैं 75% से अबव नंबर, तो आपका उम्मीद है कि आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। और साथ ही अगर आपके FSC में नंबर अच्छे हैं तो उसके साथ भी आपका एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम इसके लास्ट ईयर मेरिट की बात करें तो इसका जो मेरिट था वो था 880 से लेकर 90। अच्छा, मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने नंबरों की जो लिस्ट होती है ना कि इस बच्चे के इतने नंबर हैं, उस लिहाज से ये मेरिट शो नहीं करते। तो एक अंदाज़ा जो है जो मैंने वहाँ से पता करवाया, तो वो बता रहे थे कि 880 से 900 वाले जो बच्चे हैं उनका एडमिशन पिछले साल हो गया था। और साथ ही अगर आपके टेस्ट के अंदर 75% नंबर है, मतलब 50 में से आपके 35 से अबव अगर नंबर है, तो आपको एक ये है कि आप उसमें आपका मतलब एडमिशन तकरीबन सिक्योर हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में फ़ीमेल के लिए एक बाकायदा हॉस्टल का भी इंतज़ाम किया गया है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक हॉस्टल है फीमेल, तो वहाँ पे रिहाइश भी ले सकती हैं, वो भी प्राइवेट है, तो आप उधर रिहाइश भी ले सकती हैं। और अगर आप अपना प्राइवेट कोई हॉस्टल रखना चाहें बाहर, तो आप उधर भी रख सकते हैं। मेल के लिए अगर हम हॉस्टल की बात करें, तो मेल के लिए जो हॉस्टल है वो तकरीबन बन चुका है इस टाइम, लेकिन उसकी जो एक बाकायदा आगाज़ उसका और उसमें बच्चे अभी रिहाइश पजीर नहीं हुए। मे भी हो सकता है कि इस साल से हो जाए या आने वाले कुछ अरसे में उसका बकायदा आगाज़ हो जाए। यार ओवरऑल ये जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। किस लिहाज से? एक तो इनकी स्टडी रिलेटेड ये आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाली जो फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है, और साथ पढ़ाने का अंदाज़ भी अच्छा है। और साथ ही ये आपको ड्यूटीज़ बड़ी ज़बरदस्त करवाते हैं, मतलब साथ आपकी प्रैक्टिस भी है और साथ आपकी पढ़ाई भी है। ये नहीं है कि आप बस वो खाली पढ़ाते रहेंगे आपको प्रैक्टिकल कोई काम ना आता हो, आपको प्रैक्टिकल भी साथ साथ करवाएंगे। ये तो यार ऐसा सीन है कि मेरा एक दोस्त पढ़ता है ना वहाँ पे, तो बता रहा था कि मैं तो छुट्टियों के अंदर भी ये बुला लेते हैं कि यार आओ ड्यूटी करो यहाँ पे। तो ड्यूटी के लिए मामले में ये थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको हर चीज़ का पता हो प्रॉपर। तो आप थोड़े से अरसे में आप काफ़ी सारा काम उसमें समझ लेते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस आती है ना, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आगे अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी सवाल हल कर सकते हो पेपर में। तो उस प्रैक्टिस का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, फ्यूचर में भी फायदा होता है, और पेपर स्टडी के दौरान और पेपरों में भी आपका फ़ायदा होता है। अगर कोई स्टूडेंट फीस इकट्ठी फीस पे नहीं कर सकता, तो इंस्टॉलमेंट का भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। आप फीस में इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं, दो इंस्टॉलमेंट करवा के आप फीस अदा कर सकते हैं। और फीमेल के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, इसमें 15,000 से 20,000 फीमेल के लिए है तकरीबन फीस। तो आप देख लें कि काफ़ी बाकी यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी बेहतर है, और फीमेल को एक स्पेशल प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप अगर फीमेल हैं तो आपको इधर कम से कम अप्लाई लाजमी करना चाहिए, जाना ना जाना वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको किसी और जगह अच्छी जगह एडमिशन नहीं होता तो फिर आप बंदा प्राइवेट में भी आ जाता है, अगर गवर्नमेंट में नहीं होता तो बंदा प्राइवेट में ही कर लेता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करके बताया था कि 50% मेल और 50% फीमेल। तो उस नोटिफिकेशन के हवाले से काफ़ी खबरें आ रही हैं कि वो फेक है, या वो ऐसा नहीं हो सकता, ये है वो है, 50% नहीं कर सकते ये लोग, और 50% करने में काफ़ी मुश्किल है। तो आप अगर आपके दिमाग में है ना कि यार वो बिल्कुल करेक्ट है और ऐसा ही होना, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप कम से कम ये दिमाग में रखें, जब तक एडमिशंस का एडवर्टाइजमेंट जो DGN डायरेक्टरेट जनरल नर्सिंग है वहाँ से इशू नहीं होता, तब तक ये कहना कि 50% मेल होंगे, 50% फीमेल होंगे, ये 100% मेल होंगे, 100% फीमेल होंगी, या ऐसी कोई बात करना, तो एक मैं नहीं समझता कि ये एक प्रॉपर बात है। आप ये देखें कि इसमें जब तक आपको एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट DGN की तरफ से नहीं मिलती एडमिशंस के रिलेटेड, तो तब तक कोई भी न्यूज़ कंफर्म नहीं है। अब जो नोटिफिकेशन की हम बात करें, तो मैंने उस नोटिफिकेशन को पहले नहीं डाला था, मैंने काफ़ी जगहों से पता किया, चीज़ें चेक की, फिर मुझे लगा कि अरे हाँ ये ठीक है, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, उसको एक्सप्लेन किया उसके नोटिफिकेशन के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो उस जब नोटिफिकेशन की मैंने रिसर्च की थी, तो मैंने वेबसाइट के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च किया PNC की, और डिफरेंट जगहों पर भी देखा, तो कहीं भी वो नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था। और अगर हम बात करें, तो यार ये PNC की जो वेबसाइट है वो ज़्यादा अपडेटेड नहीं होती, उनके जो 2016 वाले, 2020 वाले, 2018 वाले, 19 वाले भी नोटिफिकेशन होते हैं ना, उसके ऊपर भी न्यू लिखा होता है, मतलब आप देख सकते हैं कि वो वेबसाइट को ज़्यादा अपडेट नहीं करते। तो इस लिहाज से भी एक कन्फर्म नहीं होता कि यार ये नोटिफिकेशन ठीक है या नहीं है, मे भी हो सकता है ठीक हो, मे भी हो सकता है फेक हो। जब तक एडमिशन्स नहीं आते, तब तक ये कहना कि 50% मेल होंगे, 50% फीमेल होंगी, तो ये एक प्रॉपर बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यार अच्छी लगी है तो यार लाइक मारो और कमेंट में सवाल पूछो, और सब्सक्राइब तो मुझे लगता है कर लिया होगा, यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऐसे ये है ना उंगली, ऐसे क्लिक करो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है, कर दो बस ना। देखो 1000 सब्सक्राइबर होने वाले तुम्हारे भाई को, तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ मेरे, ठीक है? तो इंशाल्लाह लाइव आके भी आपसे बात करेंगे,
और मुझे लगता है कि आप जौन सा ना तबाहियाँ मचा रहे हैं, तो तबाहियाँ मचाते रहो और मेरी वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और तबाहियाँ मचा दो, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर रिजल्ट भी आया तो उसने भी काफ़ी तबाहियाँ मचाई हैं। जिन लोगों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर अच्छे नंबर आए तो मुबारक हो, अगर गंदे नंबर आए तो भाई इंप्रूव करो, कोई आपका इधर स्कोप नहीं है, आप इंप्रूव ही करें, कोई मसला नहीं है। एक साल जाया हो तो कोई मसला नहीं, आप कर लो इंप्रूव, लाइफ अच्छी हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक साल बचाने के चक्कर में कर लेते हैं 700 नंबरों के साथ एफएससी करके आप फिर रहे हैं और आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, तो उन 700 नंबरों का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको इंप्रूव करें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।